सो हेलो लवली पीपल्स, आई एम बैक अगेन विथ न्यू वीडियो। सो गाइस, इस वीडियो में दोस्तों मैं अपनी कार में जो है ईएल वायर्स इंस्टॉल करने वाला हूँ। सो गाइस, मेरे पास जो ईएल वायर है वो मैंने है 3 मीटर लेंथ है इसकी और आइस ब्लू कलर की। इसमें 3 कलर्स अवेलेबल है, एक आता है ब्लू, एक आता है व्हाइट और एक आता है आइस ब्लू। सो गाइस, अगर आपको ये परचेज करनी है अपनी कार्स के लिए तो ये मेरे पास ही अवेलेबल है। आपको मेरा स्क्रीन पे कॉन्टेक्ट नंबर दिख रहा होगा, यहाँ से आप जाके ऑर्डर कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पे आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं। HS Concepts नाम से मेरा पेज है, वहाँ पे भी आप DM करके आप अपना प्रोडक्ट जो है मंगवा सकते हैं और WhatsApp से भी मंगवा सकते हैं। सो गाइस, अब मैं आपको इसको दिखा देता हूँ इसको ओपन करके। सो गाइस, इसमें सबसे पहले आपको यहाँ पे मिलेगा ये इसका वो इन्वर्टर टाइप बोल सकते हैं आप इसको, और ये आपको इसके लिए कोई वायर कटिंग नहीं करनी पड़ेगी। फिर यहाँ पे है अपने पास EL वायर अपनी, ये मैंने आइस ब्लू कलर की मंगवाई है और 3 मीटर की मंगवाई है। मैंने 3 मीटर की इसलिए ली क्योंकि मेरे को सिर्फ अपने डैशबोर्ड पे लगानी है, बाकी डोर्स पे नहीं लगानी। अगर आपको डोर्स पे भी लगानी है तो आप 5 मीटर ले सकते हैं या फिर 5-5 मीटर की 2 बॉक्स आप परचेज कर सकते हैं। ये जो है यहाँ पे है, एक इन्वर्टर वाला है और एक आपको जो ईएल वायर है आप देख सकते हैं, इसमें यहाँ पे वायर है, इससे आपको यहाँ पे इसको कनेक्ट कर सकते हो आप इसको। आपको इसको ऐसे कनेक्ट कर देनी है, अब टक्कर की आवाज आ जाएगी, इसका मतलब ये अच्छे से कनेक्ट हो चुकी है। और इसको लगाने के लिए आपको क्या करना है, आपके डैशबोर्ड के जो बीच में जो गैप्स होते हैं ना उसमें अभी यहाँ पे देख सकते हैं, इसके डैशबोर्ड के अंदर आपको ऐसे एकदम अटकाना है। बस इजी टू इंस्टॉल है और बाकी मैं आपको एक बार लगा के भी दिखा देता हूँ और फिर मैं आपको नाइट लुक भी दे दूंगा कि रात को जलती हुई कैसी लगती है। तो चलते हैं वीडियो के प्रोसेस में। सो गाइस, अगर आपके पास नेक्सॉन है तो मैं आपको बता दूं कि आपको क्या प्रॉब्लम आएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं नेक्सॉन में यहाँ पे कोई गैप ही नहीं है, अगर आप इसको यहाँ पे कितना भी दबाओगे तो ये लगी नहीं पाएगी। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये जो सिल्वर जो पार्ट अपनी गाड़ी का इसको खोलना पड़ेगा। इसको खोलने के लिए यहाँ से आप इसको ऐसे अगर पकड़ के खींचोगे तो इसको यहाँ से खींचना पड़ेगा। मैं आपको एक बार खोल के और फिर दिखाता हूँ कि कैसे करना आगे का प्रोसेस। सो गाइस, मैंने ये जो पार्ट है ये खोल लिया, इसको आपको सिर्फ पकड़ के खींचना है और यहाँ पे जो सिल्वर वाला जो पार्ट है यहाँ पे देखो आप, एक ही स्क्रू है, इससे आपको है ना स्क्रू ड्राइवर की हेल्प लेके इस पार्ट को खोल लेना है और फिर मैं आपको आगे का प्रोसेस दिखाता हूँ कि कैसे करना है। सो गाइस, जो इंस्टॉलेशन थी वो मैंने अपनी पूरी जो है कम्प्लीट कर ली। आप देख सकते हैं नेक्सॉन अगर आपके पास भी है तो आपको काफी ज्यादा टाइम लगेगा और इस जो सिल्वर जो पार्ट है इसको आपको खोलना भी पड़ेगा और खोलते टाइम यहाँ से आप देख सकते हैं कि स्क्रैच भी लग गया मेरे से। सो गाइस, अब आप जितनी अच्छी फिनिशिंग से मैं लगा सकता था मैंने लगाया है। मैंने पहले भी एक बार लगा लिया था लेकिन फिर मैंने उसको फिर से उतारा और फिर से मैंने गाड़ी को ये पार्ट खोल के फिर से लगाया क्योंकि पहली बार जो है फिनिशिंग नहीं आई थी यहाँ से, अच्छे से थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा था यहाँ से। फिर मैंने पूरा फिर से ये पार्ट खोला और फिर से इसको पूरा लगाया फिर से, और साइड से भी आपको एक बार दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ तक जो है इसको रखा और यहाँ से पूरा स्टार्ट किया। सो आप देख सकते हैं और इसका जो कनेक्शन है वो मैंने एटमोसफियर लाइट्स के साथ ही किया। आप जो देख सकते हैं यहाँ पे रेड और ब्लैक वायर, ये मैंने इसकी है ईएल वायर्स की है ये। अगर आप चाहो, अगर आप जो है अपनी वायर के साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहते, वैसे इसमें कोई कटिंग नहीं होती, जो मेरी जो एटमोसफियर जो लाइट थी उसका जो ये आता है ना ये सॉकेट का ये वायर, इसको आप छील के और इसमें जो रेड ब्लैक जो वायर होता है इसका ईएल वायर का जो कि मैंने आपको दिखा दिया था, उसमें भी आपका जो ईएल वायर है उसमें भी आपको ऐसा सॉकेट मिलता है जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखा दिया था। तो आप अगर आप चाहते हो कि कोई आपको वायर छेड़ा छाड़ी नहीं करनी पड़े तो आप वाला सॉकेट भी लगा सकते हो, लेकिन मेरे को क्या चाहिए था कि मेरी एटमोसफेयर की लाइट के साथ साथ ही मेरी ईएल वायर भी लगे, तो इसलिए मैंने इसका जो है छील के जो है इसका कनेक्शन कर दिया था। और नाइट लुक मैं आपको बाद में दिखा दूंगा लेकिन आपको एक बार दिखा देता हूँ, दिन में जो है दिन में दिखती नहीं है लाइट, तो आपको दिखाता हूँ। देखो मैंने ऑन कर दी, अब मैं इसको एक बार लगा लेता हूँ। सो आप देख सकते हैं मेरी एटमोसफेयर लाइट्स भी ऑन हो गई और जो मेरी ईएल वायर आप देख सकते हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं आपकी जो ईएल वायर है ये भी ऑन हो गई। ये दिन में इतना पता नहीं चलता इसका लेकिन रात को नाइट लुक जो है इसका काफी ज्यादा अच्छा आने वाला है जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। काफी ज्यादा मेहनत लग गई इस लाइट को लगाने में, तो लाइक कर देना। अगर आपके पास मारुति की बलेनो या फिर और कुछ गाड़ी है तो उनमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, उनमें तो इतना ज्यादा गैप होता है कि आप बिना कुछ खोली आप डायरेक्ट उसमें लगा सकते हो, लेकिन नेक्सॉन में जो है गैप बिल्कुल भी नहीं आता। काफी ज्यादा प्रॉब्लम आई इस पार्ट को, पूरे को यहाँ तक खोलना पड़ा था और फिर अच्छे से लगानी पड़ी।
तो अब देख सकते हैं इतनी दिन में ज्यादा नहीं दिखती है लाइट, देख सकते हैं दिन में ज्यादा नहीं दिखेगी, रात को दिखेगी। और कनेक्शन आप देख सकते हैं ये मैंने करी रखे है। और चल तो अब आपको मैं डायरेक्ट नाइट लुक दिखाता हूँ कि नाइट में कैसी लगती है। सो गाइस आपको लाइट के आगे ये वाला मिलता है, इसको मैंने कट कर दिया क्योंकि मेरे को क्या करना था, मेरी जो कार में है वो नीचे एटमॉस्फेयर लाइट्स भी लग रही है और ऊपर ईएल लाइट्स भी लग रही है। सो गाइस अगर मैं इस सॉकेट को भी यूज करता तो मेरे पास दो सॉकेट हो जाती और मेरे पास एक ही कंडीशन रह जाती, या तो मैं फिर एटमॉस्फेयर लाइट्स को ऑन करूं या फिर ईएल लाइट्स को ऑन करूं। तो मेरे को चाहिए था कि मेरी दोनों चीजें एक टाइम पे काम करे, तो मैंने क्या किया इसका जो सिगरेट लाइटर जो पोर्ट आता है आगे इसको काट के, और जो आपका जो वो आता है एटीएम लाइट्स जिसको बोलते हैं एटमॉस्फेयर लाइट्स, उसका जो वायर आता है उसको आप छील लो और उसके जो ब्लैक और रेड वायर है उसके ब्लैक और रेड वायर को आप लगा दोगे तो आपकी दोनों चीजें साथ में काम करेगी और इससे कोई वारंटी अवॉइड नहीं होगी क्योंकि आप कोई कंपनी की वायर कट नहीं कर रहे, आप सिर्फ एटमॉस्फेयर लाइट्स की वायर जो है कट कर रहे हो, बल्कि कट भी नहीं कर रहे सिर्फ पील ऑफ ही कर रहे हो और इसकी कट करनी पड़ेगी। सो गाइस ये आपको बढ़िया बता दिया कि आपको कैसे करना है और आपको मैं कनेक्शन एकदम अच्छे से समझाई दिया कि आपको अपनी कार में कैसे लगाना है। सो गाइस अब मैं आपको नाइट लुक दिखा रहा हूँ, तो 1 2 3 गो। ये देखो गाइस अपनी जो कार है वो कितनी ज्यादा अच्छी लग रही है। और अगर आपकी कार अगर कोई ट्रैफिक लाइट में खड़ी है तो आप देखो बाहर से कोई देखा गया तो आपकी जो कार है उसका ऐसा लुक आएगा। मैं आपको उस साइड से भी दिखाता हूँ कि कैसे लगती है। मैंने जो है सिर्फ डैश पे ही लगाई है, लेकिन अगर आपको अपने डोर्स पे भी लगानी है तो आप 5-5 मीटर की 2 या 3 बॉक्स जितने भी आपको परचेज करने हैं वो आप ले सकते हैं। और इन लाइट्स को या फिर इन लाइट्स को अगर आपको परचेज करना है तो आपको स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सअप नंबर आ रहा होगा, आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं। ये लाइट्स ही नहीं, अगर आपको अपनी कार्स के लिए अलॉय व्हील्स एग्जॉस्ट वगैरह कुछ भी चाहिए, एंड्रॉइड स्टीरियो सब मेरे पास अवेलेबल है। लुक देखो कितनी अच्छी आ रही है यहाँ से, आपको एक बार यहाँ से भी दिखा देता हूँ कि आपकी बार को आपकी गाड़ी के बाहर से भी कोई देखेगा तो कितनी बढ़िया लुक आ रही है। सो गाड़ी काफी ज्यादा प्रीमियम लगती है, देखो फिर से चेकआउट करो एक बार। सो गाइस एक बार पीछे से भी लुक देख लो कार की, जो कितनी अच्छी आ रही है, एकदम प्रीमियम लग रही है कार। सो गाइस अगर आपको अपने लिए भी परचेज करनी है तो आपको व्हाट्सएप पे नंबर आ रहा होगा, मैं इसे परचेज कर सकते हैं और सीओडी भी अवेलेबल है। तो ये लुक देख सकते हैं कितना बढ़िया रहा है। सो गाइस होप करता हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आए, अगर पसंद आए तो वीडियो के नीचे आ रहे एक लाइक बटन को और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको फ्यूचर में ऐसा अमेजिंग कंटेंट मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।